तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपनी चैनल स्टडी बडी में। तो इससे पहले मैंने पार्ट वन में 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक सोल्यूशन करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर एक यहाँ आई लिंक फ्लैश हो रहा होगा, यहाँ पर भी आप क्लिक करके जा सकते हैं। प्रीवियस मतलब जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया गया, उसको आप देख सकते हैं। तो ये बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 31 की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बीरो ब्रदर, जिसे पहली बार जो पहला बॉल पेन बना था, जो सबसे पहला बॉल पेन बना था वो बना था 1894 में, 1894 में बना था, जिसे जॉर्ज बीरो ना जॉर्ज बीरो जो थे उन्होंने बनाया था, जॉर्ज बीरो। तो इसलिए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर बीरो ब्रदर। अब एक क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है कि इन विच डिकेड वॉज द इंटरनेट फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड, तो सबसे पहले किस डिकेड में सबसे पहले इंटरनेट को इम्प्लीमेंटेड किया गया था, मतलब लागू जारी किया गया। तो देखिए, जो पहली बार जो इंटरनेट लाया गया तो वो जो आपकी आर्मी थी, आर्मी के लिए था कि आर्मी आपस में जो जो अपना डेटा उसको शेयर कर सके। तो इसे 29 अक्टूबर को, 29 अक्टूबर 1969 पहली बार 29 अक्टूबर 1969 को इम्प्लीमेंटेड किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज़ द करेक्ट आंसर। अभी चलते क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड विच कंट्री एज द मलेरिया फ्री, तो इसमें मलेरिया फ्री इसमें से कौन से कंट्री को मलेरिया फ्री घोषित किया गया। तो देखिए, श्रीलंका को किया गया था 2022 में, लेकिन इंडिया नहीं है उसमें, तो इसलिए ऑप्शन नहीं चला जाएगा श्रीलंका। तो श्रीलंका के साथ चाइना को किया गया था 2022 में, और इसका जो बी ऑप्शन है अजरबैजान एंड तजाकिस्तान, ये 2023 में किया गया है, 2023 में किया गया था अजरबैजान, मतलब 29 मार्च 2023 में किया गया था। तो किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। हाँ, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और एक यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि कितना करंट में आ रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको करंट अफेयर कहाँ तक का पढ़ना है, मैंने बताया था लास्ट जो है कि आप मार्च तक का पढ़ेगा, मार्च के बाद का पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उससे तब तक पेपर बन चुका होता है। तो देखिए, यहाँ पर मार्च तक का करंट अफेयर लिया गया है, तो आप करंट अफेयर मार्च तक का पढ़िएगा। जनरल के लिए भी अगर आपको पढ़ना है तो मार्च तक का ही पढ़ेगा, इससे बाद अप्रैल अप्रैल का पढ़ने की ज़रूरत नहीं क्योंकि तब तक पेपर बन चुका होता है। तो अब जाहिर सी बात है, पेपर बन गया तो उसमें आप कहाँ से उसको आप मतलब क्वेश्चन डाल सकते हैं। चलिए, आइए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट ऑब्जर्व, तो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्टेज कब ऑब्जर्व किया गया है ये आपको बताना है। क्वेश्चन ऑप्शन ए है मार्च 25, मार्च 30, अप्रैल 5, अप्रैल 10। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 30 मार्च इज़ द करेक्ट आंसर। तो मतलब करेक्ट इसका हो जाएगा 30 मार्च। और इसे जो बनाया गया था आपका शायद आई थिंक 2022 में स्टार्ट किया गया था। हाँ, 14 दिसंबर से ये जो इस थीम चला था, 14 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हुआ था, जिसे सेलिब्रेट किया गया था अब मार्च 30 को। और आपको इसमें भी पता होना चाहिए कि इसमें 105 मतलब 105 जो कंट्री ने इस पार्टिसिपेट किया था, 105 कंट्री ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 में देखिए, इसमें विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री विकास संपदा योजना, तो देखिए क्वेश्चन करवाया हुआ क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने इसे लॉन्च किया था, छत्तीसगढ़ के जो आपका सीएम थे उन्होंने लॉन्च किया था। और इसमें था कि अगर किसी के पास 5 एकड़ या उससे ज़्यादा की ज़मीन है, 5 एकड़ या उससे ज़्यादा की ज़मीन है, और उन्हें 50% का फाइनेंशियल सब्सिडी दी जाती थी, दी जा रही है, मतलब पेड़ लगाने के लिए 50% की सब्सिडी दी जा रही थी, 50% सब्सिडी। और ये उन्हीं के लिए था जिनके पास 5 एकड़ या 5 से ज़्यादा, मतलब 5 एकड़ या इससे ज़्यादा अगर उनके पास ज़मीन है तो उनके लिए था, 5 एकड़ या उससे ज़्यादा कि अगर किसी के पास ज़मीन है तो 50% सब्सिडी उन्हें दी गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से आपके जीके का क्वेश्चन आ गया है, सो रिवॉल्यूशन विच वाज सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री, तो अभी किस कंट्री से वो एसोसिएटेड है, तो अफगानिस्तान। इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर बी इज़ द अफगानिस्तान। आइए 37 की तरफ चलते हैं। Which among the following as the considered to be the base soil for the plant growth? तो plant growth के लिए base soil कौन सा होता है, तो loam। इसका C is the correct answer, loam हो जाएगा। तो आइए चलते क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ।
विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन सतलज एंड काली रिवर? तो सतलज और काली रिवर के बीच में कौन सा पार्ट है, हिमालय का कौन सा पार्ट सिचुएटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा द कुमायून हिमालय। इसका कुमायून हिमालय सर, डी इज द करेक्ट, सॉरी सी इज द करेक्ट आंसर। अबे 39, तो 39 क्या है, हु इंस्पायर द यंग बंगाल मूवमेंट इन 19th सेंचुरी? तो 19th सेंचुरी में कौन इंस्पायर हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हेनरी विवॉन डेरोजियो। तो इनका जो पूरा नाम है हेनरी लुइस विवॉन डेरोजियो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। और ये हुआ था 1826 को। ठीक है, आइए चले नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 40 इसमें बोला है कि एलिफेंट सॉरी प्लस है तो प्लस को मल्टीप्लाई कर देना है और 9 लिख देना है। फिर उसके बाद डिवीज़न है, देखिए माइनस को डिवीज़न लिखना है तो डिवीज़न हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अब प्लस को फिर से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस को फिर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, ये तो 4 हो गया। अब प्लस, अब देखिए इसको डिवाइड जब इसको करेगा, जब इसको डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। जब इसको डिवाइड करेगा तो 3 आ जाएगा। अब एक मिनट, ए प्लस नहीं है, सॉरी ये प्लस नहीं है, ए डिवीज़न है, ए डिवीज़न है। तो यहाँ पर डिवीज़न है तो माइनस हो जाएगा, ये गलती हो रही थी। चलिए तो ये हो जाएगा 9 3 3 हो जाएगा, 9/3 है तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 3, यहाँ से हमारे पास 3 बचेगा, 3 5 15 हो जाएगा, 3 5 15 और माइनस 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, 15 = 15 आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हालांकि मैंने इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व नहीं किया था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा डील कर चुका हूँ, तो ज़्यादातर क्वेश्चन में फर्स्ट या सेकेंड ही ऑप्शन होता है। अगर आपको रिस्क लेना है तो फर्स्ट सेकेंड को आप टिक कर सकते हो। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 इसमें अच्छा क्वेश्चन ये भी है, इसमें बोला है कि इफ ए इज टू बी इज टू सी, ए इज टू बी इज टू सी की जो वैल्यू है वो है 3:4:7। तो कुछ नहीं, मतलब ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है और सी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब सबकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो देखिए ए की जगह पर हमारे पास 3 है, 3 प्लस बी, बी मतलब 4 प्लस सी मतलब 7:7। ठीक है, अब इसको ऐड कीजिए, 7 + 7 = 14:14:7। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन में तो कहीं दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन एक्चुअल में ऑप्शन दिया हुआ लेकिन आपको उतने मतलब इस वे में नहीं दिखाई दे रहा। देखिए दोनों में से 7 कॉमन मिला, 7 कॉमन ले लीजिए तो 2:1 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा 2:1। अब देखिए इसे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42 अभी कल ही करवाया था शायद इस क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ पर एक था कि यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 3 था, यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 9 दिया हुआ है। तो कह रहा था एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9, तो इसका मतलब 9 + 18 + 27 + 36 = 45, ये इतना आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि 5 नंबर तो मल्टीप्लाई बाई 5 कर लीजिए। अब देखिए इसको इससे ऐड कीजिए, इसको इससे ऐड कीजिए, आपको सेम मिलने वाला है। तो 9 + 45 कितना हो जाएगा आपका 54 + 18 + 36 = 54 + 27। अब इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर लीजिए, आपको आंसर दिख जाएगा। अब इनको ऐड कीजिए तो 5 + 4 + 4 तो हो जाएगा 15 15 5 कैरी 1, फिर 5 + 5 10 + 2 12 12 + 1 13, तो 130 और डिवाइड बाई 135 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू ए आपका यहाँ से आ जाएगा 5 2 जा 10 बचेगा यहाँ पर ठीक है 35 30, तो 27 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर 27। अब भाई नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हाइट एंड डिस्टेंस से मुझे लग रहा है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लेडर फ्रॉम द बिल्डिंग इफ द लेडर इज इतना मीटर हाई रीच द टॉप ऑफ बिल्डिंग ऑफ 35 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। तो अब देखिए क्या है यहाँ पर कि एक लेडर है जो कि लगा जिसका हाइट दिया हुआ है 12 मीटर, और फिर कह रहा है कि रीच कर रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग अब इतना मीटर बिल्डिंग से वो टच कर रहा है, जिसकी हाइट बिल्डिंग का जो हाइट है, मान लेते कि ये बिल्डिंग है इसकी हाइट 35 गिवन है और ये 35 गिवन है और जो कि ग्राउंड से है मतलब यहाँ से यहाँ तक है। इस क्वेश्चन का फिगर तो बन ही नहीं पा रहा है, पता नहीं क्या पूछे, लेकिन हाँ ये तो है पाइथागोरस लगा के आंसर आएगा, क्योंकि देखिए ये बिल्डिंग की हाइट देता है, बिल्डिंग आप 35 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से 35 मीटर हाई बिल्डिंग खड़ा कर दिया हमने ठीक है, और लेडर का हाइट कितना दिया हुआ है 12 मीटर। अब 12 मीटर का लेडर अगर हम ले भी लेंगे, चलिए मान लेते हमने 12 मीटर ए लेडर ले लिया और 12 मीटर लेडर ले लिया, तो कहाँ लगाएंगे इसको, यहाँ तो पहुँचेगा नहीं लेडर, यहाँ तो लेडर पहुँचेगा नहीं, तो क्वेश्चन कुछ गड़बड़ किए हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ घुमा फिरा के, देखिए फिगर तो आपका ऐसे ही बनेगा,
उन्हें आंसर सही चाहिए, आंसर आंसर दिया हुआ है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन का जो मॉडिफिकेशन वो गलत किए हैं। हालांकि ए 35 हो जाएगा, एक मिनट, ए आपका 35 हो जाएगा, ए आपका 7 हो जाएगा। आपसे हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछना चाहिए था, इसमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछना चाहिए था, ए कितना होगा, ए कितना होगा ये पूछना चाहिए था। तो यहाँ पर देखिए आप पाइथागोरस लगा के हम देखते हैं, अगर आंसर मिल जाएगा तो ठीक है। हालांकि इस पर आप क्लेम किया जा सकता है, इस क्वेश्चन पर क्लेम किया जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन का जो फॉर्मेटिंग है वो गलत है। अब देखिए 35 का स्क्वायर कीजिए, 35 इंटू मतलब ए पाइथागोरस क्या होता है, कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस यहाँ है कितना, 35, तो 35 का स्क्वायर, 35 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बेस बेस 7 दिया था, सॉरी यहाँ पर 12, ए 7 ये 12 है, गलती से हो गया, यहाँ 12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 1, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी प्लस हमें मतलब इस केस में भी हमें परपेंडिकुलर निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब देखिए जो 35 का स्क्वायर होता है 1225 होता है और इसका स्क्वायर होता है 144 होता है प्लस पी स्क्वायर। अब इसको इधर लाइए ट्रांसफर कीजिए, तो 1225 माइनस 144 माइनस 144 हो जाएगा इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से माइनस 144 करके देखिए कितना आ रहा है, जब हम माइनस 144 करेंगे तो हमारे पास मिलेगा, इम्प्लाइज होगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1369, ये इतना आ जाएगा। अब देखिए या तो क्या कीजिए, जो भी क्वेश्चन गिवेन है इसका दो बार इसी मल्टीप्लाई कीजिए, इसका दो बार इसी मल्टीप्लाई कीजिए, इसका दो बार इसी मल्टीप्लाई कीजिए, इसका दो बार इसी मल्टीप्लाई कीजिए। आंसर काफ़ी क्लोज दिया हुआ है, आंसर काफ़ी क्लोज दिया हुआ है। जिसका जिसको स्क्वायर रूट निकालने आता है वो स्क्वायर रूट निकाल के बोल देगा कि भाई ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, लेकिन जिसको नहीं आता वो कैसे स्क्वायर रूट इसका निकालेगा, तो मैं बताता हूँ स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। तो अब देखिए हमारे पास इसका स्क्वायर रूट हम निकालने जा रहे हैं, तो कितना हमारे पास है 1369। तो अब हमें क्या करना है, पेयर बनाना है, राइट हैंड साइड से पेयर बनाना है। तो ये देखिए एक पेयर यहाँ से, एक पेयर यहाँ से, फिर हमें वो नंबर लेना है, वो नंबर लेना है जिससे कि जिसका स्क्वायर इसके आसपास हो। तो हम अगर 3 ले रहे हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 लेंगे तो 16, तो 3 ही लेना पड़ेगा क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 हो जा रहा है जो कि इससे ग्रेटर हो जा रहा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और यहाँ 3 यहाँ लिख देना है, और यहाँ भी 3 लिखना है, और यहाँ पर ऐड करना है, यहाँ पर सब्ट्रैक करना है। तो हमने ऐड कर दिया था, 3 + 3 = 6 हो गया, और यहाँ सब्ट्रैक करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा। और जब भी ये उतरेगा पेयर के फॉर्म में उतरेगा, जब भी ये उतरेगा पेयर के फॉर्म में उतरेगा 69 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपने एक्स लिखा है तो आपको इसी एक्स में यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जितना भी आएगा उसको यहाँ लिखना है, उसको यहाँ लिखना है। तो आइए हम इसको लिखते देखते कितना हमारे पास आ रहा है, किसके आसपास। देखिए सब में 2 2 है, एक में 1 है, सब में 2 है, तो हम 2 ही लेके डायरेक्ट चलते हैं, डायरेक्ट हम 2 ही लेके चलते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अगर 2 से आंसर नहीं मिलेगा तो सीधे ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमें पता है कि ऑप्शन हमारा बी है, वो तो जिनको नहीं आता उनके लिए सॉल्व किया। तो 2 हमने यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया। अब 2 से हम मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से हम मल्टीप्लाई कीजिए, जितना है उसको यहाँ लिख देना है। तो अब 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 = 4, फिर ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 + 1 = 13 हो जाएगा, 12 हो जाएगा यहाँ से। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक गलती हो गई है, जो अभी एक्चुअली मैं कैलकुलेटर से थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ, तो माइनस की जगह प्लस हो गया, तो यहाँ पर इतना नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 1081। वही तो कह रहे हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई जब करेंगे तो और बढ़ रहा है, इतना नहीं आ रहा है, तो सॉरी इसके लिए अपोलोजाइज। अब चलते देखिए, जो हमारे पास ये नंबर आया, हमारे पास आया नंबर 1081 आया है, 1081 आया है। अब क्या करना है, फिर से वही सेम काम प्रोसीजर है, पेयर बनाना है, पेयर हमने बना लिया। तो हमें फिर से देखिए 3 मिला, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर 81 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 से कीजिए, क्योंकि 3 से करने पर 18 हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। अब हमें 2 ले जाना है 2 टाइम में, तो यहाँ पर 2 लिखा, 2 2 = 4 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 = 9 हो जाएगा, यहाँ पर 189 हो जाएगा, जो कि 181 से बड़ा है, तो ये गलत हो जाएगा। या फिर ऐसे भी पहचान सकते हैं कि देखिए इससे बहुत बहुत ही पास है, इसके बहुत पास है, तो इसका मतलब 3 के आसपास है। तो देखिए 6.3 का मतलब किसका आंसर 63 के आसपास है, तो सबसे क्लोजेस्ट यही है, तो सबसे क्लोजेस्ट यही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो हम आइए एग्जैक्ट निकालते हैं। अब हमारे पास कितना नंबर है, 181 माइनस का 124, माइनस का 124 कीजिए, देखिए कितना आ रहा है 124, तो आ जाएगा 57, यहाँ जाएगा 57 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको मतलब कॉपी कर लीजिए, तो 2 + 2 = 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा।
अब यहाँ पर वही सेम प्रोसीजर है, यहाँ पर जो भी एक्स लिखेंगे उसी एक्स से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो देखिए अब तो हमारे पास नंबर खत्म हो गया, तो हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे। जब डेसिमल लगाएंगे तो एक डेसिमल नॉर्मल डिवीजन में क्या होता है, 1 0 देता है, लेकिन यहाँ पर दो दो जीरो एक साथ देगा, दो दो जीरो एक साथ देगा। तो वही 8 टाइम ले जाइए, फिर उसके बाद 7 टाइम में आप ले जाएंगे। तो ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, 8 टाइम में जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो आपको मिल जाएगा 5184, ये इतना आ जाएगा आपको, 5184 यहाँ से आ जाएगा। अब अगर इसी में अगर आपको 9 से करना होगा, अगर 9 से करेंगे तो ग्रेटर हो जाएगा। अब देखिए 9 से हम करते हैं तो 9 से जब करेंगे तो 58 आ जाएगा, 5841 आ जाएगा, तो ग्रेटर हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें लेसर तक जाना है, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, चलिए कितना हो जाएगा यहाँ से, देखिए 8 टाइम में गया तो देखिए 8 आ गया। अब यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, अब बड़े दुविधा में हो गए कि यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, ये तो खैर चला गया, यहाँ दोनों जगह 8, इसका मतलब अब हमें इसको ऐड करके देखना है कि हमारे पास कितना रहा। पहले इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में से 4 जाएगा ना, इससे बारो करेगा, कहे भैया मेरे पास भी नहीं है, पड़ोसी से मांगो, तो पड़ोसी से लेके सब ले दे के जब इसको सब्ट्रैक्ट करेगा तो 10 आ जाएगा, 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ बचे 9, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा, और यहाँ बचेगा 6, 6 में से 1 गया, 5 बचा, इतना आ गया। अब इसको ऐड कर लिए, 8 प्लस 8 16, 1 5 6, अब फिर ये 00 देगा, क्योंकि ये तब जब तक 0 इसको ज़रूरत पड़ेगी तब तक ये दो दो 0 देता रहेगा। अब 7 टाइम में देखिए चला जाएगा, 7 टाइम में चला जाएगा, तो 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं हम। जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 45969, ठीक है। तो देखिए चला भी जा रहा है 7 से, सब यही सबसे क्लोजेस्ट है, आंसर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको अगर आपके स्पेशल, अगर आपके जनरल में क्वेश्चन आ रहा है तो अगर आपसे हो रहा है तो ठीक है कीजिए, अदरवाइज क्या कीजिए, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 1 बाय 1 करके देख लीजिए, आंसर मिल जाएगा, ठीक है, और छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। तो इसमें क्या बोला है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड बोलते हैं हाइट को, एल्टीट्यूड बोलते हैं हाइट को, जब जो हम फॉर्मूले में एच यूज करते हैं, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 9 सेंटीमीटर। तो एक आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब सब जिसके ऑल साइड आर इक्वल, ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इसमें बोला है कि इसका जो साइड है वो साइड कितना गिवन है, साइड आपका 9 सेंटीमीटर गिवन है, साइड आपका 9 सेंटीमीटर गिवन है, इसका मतलब A9 है। तो उस केस में इसका एल्टीट्यूड पूछा है, इसका एल्टीट्यूड पूछा है कि एल्टीट्यूड कितना होगा। तो देखिए एल्टीट्यूड जाहिर सी बात है 9 से तो कम ही होने वाला है। अब कितना कम होगा, देखिए यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5, ए 4.5, या तो हम इसको 9 बाई 2 कर लेते हैं, 9 बाई 2, और यहाँ से भी कितना हो जाएगा 9 बाई 2, क्योंकि पूरा यहाँ से यहाँ तक लेके 9 है, तो हाफ कितना हो जाएगा 9 बाई 2 हो जाएगा, हाफ कितना हो जाएगा 9 बाई 2। ये आपसे h पूछ रहा है, h कितना होगा, तो देखिए h केस में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे, तो 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाई 2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, हमें h चाहिए। अब 9 को उधर मतलब 9 बाई 2 को उधर ट्रांसफर कीजिए, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 माइनस 81 बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू h स्क्वायर। अब देखिए इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई अब करेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 इंटू 81 माइनस 81 डिवाइड बाई 2। अब मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। आपको दोनों में से 81 कॉमन मिला तो कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए तो 81 कॉमन हो जाएगा, 81 सॉरी 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 यहाँ पर 4 आएगा ना, क्योंकि इसका स्क्वायर भी होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 81 हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा 4 माइनस का 1 अपॉन में 4 आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एच स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पेस की कमी जिसकी वजह से यहाँ वहाँ लिखना पड़ रहा है, चलिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 81, अब देखिए यहाँ पर लिखना पड़ गया 81 इंटू 4 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 3 अपॉन में 4 और इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब हमें पता है कि ए हमारे पास 9 का स्क्वायर है और ये पता है कि 2 का स्क्वायर है और √3, यहाँ पर √3 आ जाएगा h की वैल्यू, और √3 की वैल्यू कितनी होती है काफ़ी लोगों को पता होगा, तो √3 की वैल्यू हमारे पास होती है 9 बाई 2 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 ले लीजिए इज इक्वल टू h। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए आपका आंसर आ जाएगा, तो आइए पहले 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1.73 अब मल्टीप्लाई बाई 9 कीजिए तो 50.588 आ जाएगा डिवाइड बाई 2। अब इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, डिवाइड कर दीजिए इसको, डिवाइड कर दीजिए 2 से तो 7.79 आ रहा है, 7.79 जिसका आंसर हो जाएगा डी इज़ द करेक्ट आंसर, डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो काफ़ी जैसे कि इनको अगर दिए हैं तो
रूट थ्री की वैल्यू देना चाहिए था या फिर रूट थ्री में आंसर छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि जो नॉन मैथ स्ट्रीम के कैंडिडेट है उनका तो एक क्वेश्चन चला जाएगा, क्योंकि इतना कौन कैलकुलेशन करने जाएगा, वैसे ही मैथ से भागते हैं और ऊपर से ऐसा काफ़ी खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आ जाए तो वो तो छोड़ ही देंगे। चलिए आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 आइए, अब मैथ चला गया, अब हल्के हल्के क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें बोला है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द नासा मिशन विच एम टू मेजर अर्थ ग्लोबल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसे हम बोलते हैं इंड्योरेंस मिशन। इंड्योरेंस मिशन ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। 47 में क्या बोला कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टेक्नोलॉजी इन विच DNA ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज चेंज, तो इसमें जैसे किसी भी बंदे का DNA चेंज किया जाता है, DNA ऑफ ऑर्गेनिज्म इज चेंज किया जाता है, उस टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं, तो इसका हो जाएगा जेनोम एडिटिंग। जेनोम एडिटिंग इसका बी इज द करेक्ट आंसर। अभी 48 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 है, व्हाट डज सेन मीन, तो एस स्टैंड फॉर स्पेशल, ई स्टैंड फॉर एजुकेशन, एन स्टैंड फॉर नीड। स्पेशल एजुकेशन नीड को हम शॉर्ट में सेन बोलते हैं, इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट, स्पेशल एजुकेशन नीड, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्पेशल एजुकेशन नीड। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 49, क्वेश्चन नंबर 59 में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल एजुकेशन, तो आपको इसमें देखना है कि इसमें कौन सा स्पेशल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है। हेल्प इन एडजस्टमेंट इन एनवायरनमेंट, तो ये तो हेल्प करता है, मतलब स्पेशल एजुकेशन हेल्प तो करता है कि एनवायरनमेंट में हमें एडजस्टमेंट हो जाए, एडजस्ट हो जाए, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर नॉट पूछा था, ये ध्यान दीजिएगा नॉट है। फिर है सेपरेशन फ्रॉम द मेन स्ट्रीम एजुकेशन, तो मेन स्ट्रीम एजुकेशन से अलग करने का काम करता है, नहीं, अलग करने का काम नहीं करता, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। और यही पूछा है नॉट, तो इसका ये करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट होगा, लेकिन एक्चुअल में गलत है, ये गलत है। फिर है ब्रिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी टू एट डोर स्टेप, तो ये भी सही है, ये भी सही है, स्पेशल एजुकेशन टू मेक फेमिलियर विद देयर कैपेबिलिटी, तो हमें क्या बनता है, हम जिस कैपेबल होते हैं वो हमारे, मतलब हमारे हिसाब से वो कैपेबिलिटी हमारे लिए कैपेबल बना देता है, वो एजुकेशन हमारे लिए क्या करता है, कैपेबल बना देता है कि हम उस टाइप के बच्चों को पढ़ाए और उन्हें कैपेबल बनाए ताकि वो आगे जाके तरक्की करें। तो इसका ऑप्शन जो है बी डी गलत है और रॉन्ग पूछा था, इसलिए बी इज़ द करेक्ट आंसर, बी इज़ द करेक्ट आंसर, बाकी सब राइट है, इस पर बाकी सब स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। आइए चलते हैं 50। अब इसमें बोला है कि 50 में इंक्लूसिव एजुकेशन, तो पहले समझना होगा कि इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में एक तरीके से जो समावेशी शिक्षा के नाम से जाना जाता है, इसमें कि सबको समान शिक्षा दिया जाए, चाहे वो स्पेशल हो चाहे वो जनरल बच्चा हो, मतलब चाहे वो कोई डिसेबिलिटी वाला हो या फिर नॉर्मल बच्चा हो, सबको क्या हो, एक समान से देखा जाए, सबको एक समान शिक्षा दी जाए, तो ये मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन में बोला गया है। ठीक है, बोला गया है कि सबको एक समान एजुकेशन दिया जाना चाहिए, और इससे क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन से एक फ़ायदा ये होता है कि जो डिसेबिलिटी बच्चे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा समय क्या जनरल बच्चों के साथ बिताते हैं, सबको एक ही क्लास में बैठाया जाता है, कोई अलग से ट्रीटमेंट, किसी को कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, जैसे कि बच्चों में हीन भावना प्रोड्यूस ना हो, इसकी वजह से क्या लोगों में मतलब बच्चों में डाइवर्सिटी ना हो, इसकी वजह से क्या होता है, सबको एक साथ बैठाया जाता है। ठीक है, जिससे क्या मोहब्बत मतलब आपस में मोहब्बत बना रहे हैं। अब इसमें हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। इंक्लूसिव एजुकेशन ऑप्शन ए, इंक्लूसिव टीचर फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। फिर सेकंड है इनकरेज स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर। डी ए सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, या फिर सॉरी सी सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, या फिर डी आपका इंक्लूड इंडॉक्ट्रिनेशन ऑफ फैक्ट। आपका इंडॉक्ट्रिनेशन का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, तो जिसका करेक्ट आंसर है वो जाएगा सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लास रूम। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। देखिए जो 51 है इसमें बोला है कि प्रोबा थ्री मिशन विच विल बी लॉन्च अब्रॉड इसरो PSLV इज एसोसिएटेड विथ विच स्पेस एजेंसी, मतलब जो प्रोबा थ्री मिशन है वो किस स्पेस एजेंसी से इसको लॉन्च किया जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन हो जाए मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इसका यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ESA का फुल फॉर्म है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो कि 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा, मतलब प्रोबा थ्री मिशन को 2024 में लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि इसलिए इसमें पर क्या आया कि विल बी लॉन्च किया जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं।
विच लेयर ऑफ एटमोसफियर कंटेन द ओजोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। तो मतलब अल्ट्रावायलेट लाइट को कौन रोकता है, अगर डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़े तो यहाँ पर जो अर्थ पर जो जीवन है वो संभव नहीं होगा, ठीक है, सारा कुछ नष्ट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा एस्ट्रोस्फीयर, एस्ट्रोस्फीयर इसका करेक्ट आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ए जो है वो 10 से लेकर 15 किलोमीटर, 10 से लेकर मतलब अर्थ से 10 से लेकर 15 किलोमीटर ऊपर है ये लेयर। तो आई क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। तो बोला इसमें द एसेंशियल नॉन मेटेलिक मिनरल आर ग्रेनाइट मार्बल लाइम स्टोन। तो देखिए सब रॉक एंड स्टोन में आते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट हो गया, मार्बल हो गया, लाइम स्टोन हो गया, ये सब नॉन मेटेलिक मिनरल है। बाकी इसमें गोल्ड आ गया, गोल्ड यहाँ पर, आयरन आ गया, एलुमिनियम आ गया, और यहाँ पर सिलिका आ गया, कोल आ गया, तो ये सब एक मिनट, सीमेंट, तो यहाँ पर ये सब क्या है, मेटेलिक है, ये सब क्या है, मेटेलिक है, तो इसकी वजह से ये सब ऑप्शन चला जाएगा। बाकी इसमें क्या है, तीनों के तीनों नॉन मेटेलिक है, इसमें तीनों के तीनों नॉन मेटेलिक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब ये 54 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है, विच ट्री एडिबल प्लांट स्पेसिस कंस्टिट्यूट एबव 60% सप्लाई ऑफ द वर्ल्ड फूड एनर्जी इन इनटेक। तो इसमें क्या है कि कौन 60% सप्लाई करता है, टोटल एनर्जी का 60% सप्लाई पूरे वर्ल्ड वाइड होता है, तो इसमें हो जाएगा वीट, राइस एंड मेज, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आई 55 की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द टू फॉर्म ऑफ द एल्कोहल आर इंक्लूडेड इन द बायोफ्यूल। तो बायोफ्यूल में कौन से एल्कोहल के दो फॉर्म को यूज किया जाता है, तो इसका हो जाएगा देखिए एथेनॉल एंड मेथेनॉल, तो इसका ए इज द करेक्ट आंसर, एथेनॉल एंड मेथेनॉल, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी 56 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला है कि द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द इकोसिस्टम आर एनर्जी साइकिल, हाँ होता है इसमें, न्यूट्रिएंट साइकिल, हाँ ये भी है, फूड चेन ये भी है, तो इसका क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव, ये सभी सही है, इसलिए इस पर टिक नहीं करके हमें ऑल ऑफ द एबव पर टिक कर देना है, डी इज द करेक्ट आंसर। आइए 57 की तरफ। फॉरेस्ट ग्रो इन द हिमालय माउंटेन रीजन इज कॉल्ड, तो जो माउंटेन रीजन में जो पाए जाते हैं फॉरेस्ट, इसे क्या बोलते हैं, तो हो जाएगा डेसीड्यूस फॉरेस्ट, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए यहाँ पर फिर से नॉट आ गया, नॉट अ बायोजियोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया, तो द थार थार डिजर्ट ऑफ राजस्थान ये तो है, और द ब्रह्मपुत्र प्लेन साउथ ईस्ट जोन, इन दोनों में मुझे डाउट है, इन दोनों में से कोई एक नहीं है, नॉर्थ ईस्ट जोन तो है, तो इन दोनों में से देख लीजिएगा कौन सा है, मुझे क्लियर नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, आइदर बी और सी, इन दोनों में से कोई एक करेक्ट है, क्योंकि ए और डी ये तो आपका बायो जियोग्राफिक जोन है, टोटल इंडिया में 10 बायो जियोग्राफिक जोन है, 10, इसमें से यहाँ पर दो में कन्फ्यूजन है मुझे, देख लीजिएगा इनमें से कौन सा करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन द एब्सेंस ऑफ आन एंड ऑन द अर्थ, अगर चींटियाँ ख़त्म हो जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए जैसे चींटियाँ ख़त्म होगी, जैसे एंट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि जो फूड है ना, फूड चेन वो क्लैप्स कर जाएगा, जब फूड चेन ही क्लैप्स कर जाएगा तो सभी चीज़ें क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा बी, डिस्ट्रॉयड लाइफ, क्योंकि खाने में कितने दिन आदमी जिंदा रहेगा बिना खाए, तो क्या हो जाएगा, लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो इसका बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि फूड चेन क्लैप्स कर जाएगा। 60 की तरफ आइए। देखिए इसमें बोला है कि अ नेटवर्क दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, इंटरनेट से जो कि कनेक्टेड है, बट यूजर इनक्रिप्शन टू स्क्रैम्बल ऑल द डेटा सेंड थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड। तो देखिए ये होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसे हम VPN के नाम से भी जानते हैं, VPN बहुत लोगों ने डाउनलोड किया होगा, क्योंकि बहुत सारी साइटें नहीं चलती हैं, तो या फिर कॉलेज वॉलेज में है तो अगर फेसबुक चलाना चाहे तो नहीं चलता है कॉलेज के वाईफाई से, तो हम क्या करते हैं, VPN डाउनलोड करते हैं, तो इसका बी इज द करेक्ट आंसर। आइए 61 की तरफ चलते हैं। तो 61 में पूछा कि हाउ मेनी वॉल्स डू जैन टेक वाइल प्रैक्टिसिंग जैनिज्म, तो मतलब कि कितने वो व्रत लेते हैं, कितने व्रत रखते हैं, तो इसमें हो जाएगा 5, जब जैनिज्म की प्रैक्टिस करते हैं तो कितने व्रत रखते हैं, 5 रखते हैं। 62 में है कि हु डिज़ाइन द गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई, तो गेटवे ऑफ इंडिया को किसने डिज़ाइन किया है, तो जॉर्ज विटेट, इसका डी इज़ द करेक्ट आंसर, जॉर्ज विटेट ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिज़ाइन किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 63।
अगला है कि विच क्लासिकल डांस वॉज नोन बाय द नेम ऑफ सादीर दासियत्तम एंड थंजावुर नत्तम। तो इसमें से कौन सा है, तो इसका हो जाएगा ब्रह्म क्या है, ब्रह्म नत्तम। इसका बी इज द करेक्ट आंसर, ब्रह्म नत्तम। ठीक है, इसका ब्रह्म नत्तम हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अब भाई चलते हैं हम अगला 64 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज ऑर्गेनाइज द रिसेंट G20 समिट गोइंग टू बी हेल्ड इन 2023। तो ये दिल्ली में मनाया जा रहा है, इंडिया इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलग सिटी बोला तो सिटी देना चाहिए, तो यहाँ पे इंडिया लिख दिया, यहाँ पे दिल्ली होना चाहिए था, दिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। अब देखिए इसमें पूछा है कि व्हाट इज द थीम ऑफ G20 2023। तो अगर इंग्लिश में आएगा तो वन नेशन वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर होगा। ठीक है, लेकिन इसको इंडिया में आगे क्या कर संस्कृत में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो इसका हो जाएगा वसुदैवा कुटुंबरम, वासुदेवा कतुम बकम। इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे इंग्लिश में अगर इंग्लिश में देगा तो कभी कभी ये भी देता है कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, तो इसका यही थीम है। अब इंडिया के बाहर इसको बोला गया है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, लेकिन इंडिया में इसी थीम को बदल के क्या किया गया है, वासुदेवा कतुम बकम। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। देखिए इसमें मर्चेंट इज रिलेटेड टू ट्रेड, अगर मर्चेंट ट्रेड से रिलेटेड तो वैसे ही इन द सेम वे डॉक्टर्स इज रिलेटेड टू, तो रिलेटेड टू पेशेंट होगा, लेकिन ये पेशेंट नहीं, तो पेशेंट से पहले क्या करते हैं एग्जामिनेशन, देन उसके बाद उसका पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एग्जामिनेशन। सेम है फिश इज रिलेटेड टू पिसिकल्चर इन द सेम वे बीज इज रिलेटेड टू, जैसे एपीकल्चर, फिश जैसे पिसिकल्चर में आता है वैसे बी एपीकल्चर में आता है, तो इसका हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट चलते हैं। तो 68 में पूछा कि आउट ऑफ द फोर ऑप्शन गिवेन बिलो थ्री आर काइंड वाइल वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, चूज द वन विच इज अनलाइक 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 द अदर। तो देखिए सर्कल आर्क, तो आर्क से सर्कल बनता है। ठीक है, फिर टीवी स्क्रीन, टीवी और स्क्रीन दोनों एक में होते हैं फिट होते हैं, और सर्कल और आर्क एक में फिट होते हैं, बुक और कवर एक में फिट होते हैं। यहाँ लैपटॉप और चार्जर तो अलग अलग चीज़ें हैं, लैपटॉप और चार्जर तो अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसमें अनलाइक पूछा, तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। इसमें बोला इन अ सर्टेन कोड वर्केबल इज रिटेन एज VOYZPILD, हाउ विल, ये लिखा हुआ है आपका ब्लेंडर ब्लेंडर्स बी रिटेन एज द सेम। तो चलिए ये इसको हम लिखते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास बन रहा है। तो सबसे पहले देखिए WORKAPLE, अब इसके नीचे जो वर्ड दिया वो उसको लिखते हैं, यहाँ वी है, यहाँ ओ को ओ, ओ यहाँ भी ओ, यहाँ भी ओ को ओ लिखा है, फिर वाई हो गया, फिर उसके बाद वाई के बाद जेड हो जाएगा, फिर उसके बाद पी आ जाएगा, फिर आई, फिर एल, फिर डी। अब अपना जो लेटर दिया उसको लिख दीजिए BLUNDERS। अब देखिए यहाँ बी से स्टार्टिंग है, पहले देखेंगे ऊपर कहीं बी आया है, हाँ ऊपर देखिए बी, यहाँ पर बी आया है, ए बी आया है। ठीक है, अब बी आया है, बी के नीचे यहाँ पर है आई, यहाँ बी के नीचे आई है। ठीक है, बी के नीचे आई, अब आई से कोई स्टार्टिंग वाला लेटर नहीं है, आई से कोई स्टार्टिंग वाला लेटर नहीं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो देखिए थर्ड थर्ड लेटर पर है, मतलब लास्ट से थर्ड प्लेस पर है, और यहाँ से स्टार्टिंग से थर्ड प्लेस पर क्या है, वाई है, और वाई से स्टार्टिंग वाला एक ऑप्शन है, तो हम क्या करते हैं इसको फ्लिप करके देखते हैं, अगर फ्लिप करने के बाद आंसर मिल गया तो हमारे पास ये लॉजिक हो जाएगा, इसका यही लॉजिक हो जाएगा, अगर फ्लिप करने के बाद मिल जाए तो इसको फ्लिप कीजिए। तो हमें क्या लिखना है, मतलब इसको रोटेट कर देना है, तो यहाँ से हो जाएगा VOY, फिर जेड, जेड हो जाएगा, फिर पी, देन आई, एल, डी, ये हो गया। अब देखते हैं क्या हमें वाकई मिला है। तो देखिए बी को वाई लिखा है, बी को वाई, इसका मतलब वाई लिख दिया। अब आते एल, एल को ओ, हाँ तो देखिए एल को ओ, यहाँ भी ओ है, एल को ओ लिख दिया। अब एक और खोजेंगे, एक और खोजेंगे, यू नहीं है, छोड़िए हटाइए इसको, एस, एस इसमें कहीं आया नहीं आया हुआ है, और क्या है आर आया है, आर को आई लिखा हुआ है, आर को आई, तो आर का प्लेस कौन सा है, आर का प्लेस सेकेंड लास्ट है, तो यहाँ पर देखिए आई आ जाएगा, तो इसमें भी आई आ रहा है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमने कैसे इसको पहचाना, पहले तो हमने नॉर्मली उसके नीचे जो भी लेटर दिया था, इसके नीचे जो भी लेटर दिया था हमने इसको लिख दिया,
लिखने के बाद जो हमसे पूछा हमने उसको लिख दिया, और ये देखा कि यहाँ बी से स्टार्टिंग है, यहाँ बी से स्टार्टिंग था, और हमने देखा कि इसमें बी का कोई लेटर है, तो देखिए बी लेटर यहाँ पर था थर्ड प्लेस पर, तो थर्ड प्लेस का नीचे आ रहा था आई, लेकिन इसमें कोई आई से स्टार्टिंग वाला कोई लेटर नहीं था, ना तो ए था, ना बी था, ना सी था, ना डी था, कोई नहीं था। लेकिन जैसे इसको हमने फ्लिप किया, जैसे हमने इसको फ्लिप किया तो बी के नीचे क्या आ गया, वाई आ गया, और वाई से स्टार्टिंग वाला एक था, तो हमें इसका एक ट्रिक मिल गया कि शायद इसको फ्लिप करने के बाद आंसर मिलेगा। फ्लिप करने के बाद हमने फ्लिप किया तो आंसर हमें मिल गया सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब भाई नेक्स्ट चलते क्वेश्चन में, बोला कि स्टेटमेंट ऑल पर्स आर मोबाइल, सभी पर्स क्या है, सभी पर्स क्या है, मोबाइल है, तो ये मान लेते कि ये पर्स हो गया, ये हमने पर्स ले लिया, ये पर्स हो गया, और सभी पर्स मोबाइल है, तो इसका मतलब ये मोबाइल हो गया, बाहर बाहर मोबाइल हो गया, सभी पर्स क्या हो गया, मोबाइल, और ऑल मोबाइल आर फोन, तो सभी मोबाइल फोन है, इसका कलर ही चेंज कर देते, इसका कलर चेंज कर देते, समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। ए मोबाइल हो गया और ए फोन हो गया, क्योंकि ऑल फोन आर मतलब आर मोबाइल आर फोन बोला है, ठीक है, इतना हो गया। फिर सम मोबाइल आर रिंग, क्या बोला है, सम मोबाइल आर रिंग, सम मोबाइल मतलब मान लेते कि हमारे पास सम मोबाइल है, तो फ़ोन तो बोला नहीं, सम बोला है, सम बोला तो हमने सम कुछ ऐसे ले लिया कि ये रिंग है, ये क्या है, रिंग है। फिर उसके बाद बोला नो रिंग इज पर्स, नो रिंग इज पर्स, तो इसलिए कोई रिंग पर्स नहीं था, इसलिए हमने इसको एंट्री नहीं कराया, पर्स में हमने एंट्री नहीं कराया। विच कॉम्बिनेशन इज राइट, तो करा कि विच कॉम्बिनेशन इज राइट, इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन राइट है। तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट ये बन गया, मतलब हमने पूरा बना दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसके बाद हम चलते हैं अपने ऑप्शन पर। तो इसमें बोला है कि सम पर्स इज रिंग, सम पर्स इज रिंग, देखिए कोई रिंग पर्स तो है ही नहीं, क्योंकि टच नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा, ए वाला तो ऑप्शन चला गया, नहीं है। फिर कह रहा नो मोबाइल इज रिंग, तो लेकिन मोबाइल यहाँ पर है और रिंग भी है, मोबाइल भी, इसका मतलब ये भी चला गया। फिर सम फोन आर पर्स, क्या बोला, सम फोन आर पर्स, तो सम फोन, तो देखिए सम फोन आर पर्स, तो कुछ फोन है जो कि पर्स है, ये पर्स वाला लाइन हो गया, और ये ऊपर बाहर वाला जो आउटर वाला पार्ट है ये फोन है, तो सम फोन आर पर्स ये है, ठीक है। अब आते ऑल रिंग आर मोबाइल, तो क्या सभी रिंग मोबाइल है, यहाँ पर मोबाइल है लेकिन रिंग नहीं है, यहाँ पर रिंग है लेकिन मोबाइल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन चला जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज द सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए फिर से एक बार मैं एक बार और फिर से इसको बना के दिखा देता हूँ आपको। इसमें क्या बोला था, पहला बोला था कि ऑल मोबाइल आर ऑल पर्स आर मोबाइल, तो ये पर्स हो गया, कह रहा है कि मोबाइल है, तो हमने ए मोबाइल वाली लाइन बना दी, ए मोबाइल है। फिर आगे बोला कि ऑल मोबाइल आर फोन, ए फोन वाली लाइन हो गई, ठीक है, ये फोन हो गया। फिर उसके बाद आगे बोला कि सम मोबाइल आर रिंग, तो सम मोबाइल आर रिंग, तो हमने इसको अलग से बना दिया कि हमने माने कि मोबाइल रिंग है, सम मोबाइल आर रिंग। अब इसी से आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला कि सम पर्स आर रिंग, तो सम पर्स, कुछ पर्स जो है कि रिंग है, ये तो नहीं, रिंग से बाहर हो गए, तो ये नहीं होगा। फिर उसके बाद नो मोबाइल इज रिंग, तो कह रहा कि कोई मोबाइल रिंग नहीं है, तो लेकिन यहाँ पर मोबाइल है और रिंग भी है, तो इसलिए ये भी चला गया। फिर लास्ट आते हैं ऑल रिंग आर मोबाइल, तो सभी रिंग क्या है, मोबाइल है, जबकि मोबाइल इधर है लेकिन ये रिंग नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन चला गया, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देयर आर सेवन पर्सन, एक क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो देयर आर सेवन पर्सन ए बी सी डी ई एफ एंड जी सिटिंग इन द लाइन, एक लाइन में बैठे हैं फेसिंग द वेस्ट, वेस्ट की तरफ फेसिंग किए हुए, मतलब सभी का इधर की तरफ सर, मतलब सर है। और फिर उसके बाद क्या बोला है कि सिटिंग ई इज द इमीडिएट राइट ऑफ जी, तो ई है जी के इमीडिएट राइट में, इसका मतलब अगर यहाँ ई है तो इसके राइट में क्या है, इमीडिएट, तुरंत राइट में जी है, तुरंत राइट में क्या है, जी हो गया। अच्छा एक मिनट, पहले क्या करता हूँ, पहले आप लोग के हिसाब से लेफ्ट राइट बना देता हूँ, नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा, हमें तो आंसर निकाल लेंगे लेकिन आप लोग को भी तो समझाना है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो जाएगा और यहाँ से वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आ गया, अब किधर की तरफ फेसिंग है, सबका फेसिंग है वेस्ट की तरफ, तो चलिए आइए अब इधर की तरफ फेस कर लीजिए, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या बोला है कि ई इज़ द इमीडिएट राइट ऑफ जी, तो मानते कि यहाँ पर अगर ई है तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर जी हो जाएगा, ठीक है, मतलब ए स्टेटमेंट हो गया इमीडिएट राइट। फिर बोला बी इज एट वन द एक्सट्रीम एंड, अब देखिए बी या तो इधर है या तो इधर है, कहीं पर है लेकिन एक्सट्रीम एंड पर है, या तो यहाँ है या तो यहाँ, भी कहाँ है हमें नहीं मालूम, अब इसको छोड़ देना। फिर आगे एंड हैज ई एज द एज सॉरी हाँ और बोला कि ई एज अ हिज नेबर, तो ई एज अ नेबर, तो ई इधर, इसका मतलब बी फिक्स, बी भी फिक्स हो गया, बी कहाँ हो गया, देखिए बी भी फिक्स हो गया, इधर हो गया, क्योंकि बी इसका नेबर है, नेबर तो इधर तो हो नहीं सकता, इसलिए बी भी फिक्स हो गया। अब आगे चलते जी इज द बिटवीन
जी कहाँ है, जी इज द बिटवीन ई एंड एफ, तो ई हो गया तो यानी इसका मतलब एफ इधर होगा, ई हो गया तो एफ इधर हो जाएगा। फिर सी इज सिटिंग सेकेंड फ्रॉम द साउथ एंड, तो साउथ एंड से कौन सा है, साउथ एंड से सेकेंड सिटिंग है, किसका है, सी का, अब इसको छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद बोला है कि हु इज द सिटिंग एट द साउथर्न एंड, तो साउथर्न एंड पर कौन सा है, कौन बैठा है, तो देखिए अभी यहाँ पर क्या है, ना तो डी के बारे में कहीं जिक्र किया गया है, डी के बारे में भी कहीं जिक्र नहीं है, और ए के बारे, ना तो ए के बारे में जिक्र किया गया, ना तो डी के बारे में जिक्र किया गया। जी हो गया, एफ भी हो गया है, ई मतलब जी एफ ई सी बी ये सब हो गया, बाकी इन दोनों के बारे में जिक्र नहीं किया गया, तो वैसे ही क्या है, क्वेश्चन को हम इनकरेक्ट बोल सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, हम क्या करते हैं, इसको वर्टिकली वर्टिकली खड़ा कर देते हैं, तो ये वर्टिकली कुछ ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, फिर उसके बाद तो इस हिसाब सी हो जाएगा, फिर यहाँ पर ई हो जाएगा, फिर यहाँ से जी हो जाएगा, फिर यहाँ से एफ हो जाएगा। हालांकि इनको पूरा ए और डी के बारे में भी बताना चाहिए, क्योंकि ए और डी मिसिंग है, और ऑप्शन में ए तो दिया हुआ है, ऑप्शन में ए गिवन है और ए और डी मिसिंग भी है, तो यहाँ से कुछ भी हो सकता है आंसर, लेकिन इस हिसाब से आंसर बी हो जाएगा। इसके हिसाब से अगर हम इसको वर्टिकली अगर हम इसको खड़ा कर देंगे, तो इस केस में क्या हो जाएगा, वर्टिकली अगर इसको वर्टिकल कर दिए तो बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड चलते क्वेश्चन नंबर 72। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग टूअर्ड द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायगनली, तो पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, इधर हो जाएगा ईस्ट, इधर हो जाएगा वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट बोला है, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब इधर की तरफ जाएगा और डायगनली जा रहा है, डायगनली जा रहा है। और फिर उसके बाद कह रहा है कि डायगनली फ्रॉम द लेफ्ट कॉर्नर, तो लेफ्ट कॉर्नर से डायगनली नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो देखिए अगर हम इसको बता दें, ये हमारे पास ठीक है, तो यहाँ से डायगनली जा रहा है, यहाँ पहुँच गया। फिर उसके बाद क्या बोला है कि प्लॉट, फिर यहाँ कॉर्नर पर पहुँचने के बाद ये राइट मुड़ जा रहा है, तो यहाँ पर है, तो यहाँ का राइट कहाँ होगा, अब देखिए इससे अपने आप को यहाँ पर ज़ूम कर लीजिए इस टाइप में, फिर इसको राइट आप मुड़ाइए, राइट मुड़ाइए, तो राइट किधर की तरफ मुड़ेगा, राइट ये कुछ ऐसे जाएगा, राइट कुछ ऐसे जाएगा, राइट ऐसे मुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, साउथ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ, करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा इसका, साउथ, साउथ की तरफ मुड़ जाएगा। तो अभी नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 63 में बोला है कि अंकित इज क्लीवरर देन संजय, तो चलिए मानते कि अंकित ज़्यादा क्लीवर है किससे, संजय से है, तो अंकित ऊपर हो गया, संजय नीचे हो गया। फिर उसके बाद आकाश इज क्लीवरर देन अंकित, तो आकाश और ऊपर हो गया, तो अंकित में ए एन लगा देते, आकाश में सिर्फ ए रहने देते हैं। फिर बट नॉट मोर देन पूजा, लेकिन उतना नहीं जितना कि पूजा है, तो पूजा इससे ऊपर हो जाएगी। फिर उसके बाद कर रहा है पायल इज़ द क्लियर, तो पायल, तो पूजा को पी यू से पायल को सबसे ऊपर रख देते हैं, पायल्स को। फिर उसमें बोला है कि देम हु अमॉन्ग द फॉलोइंग विल होल्ड द मिडल, तो दो अब मिडल में अच्छा दो इधर से दो गया और इधर से दो गया, तो ए आ गया आकाश, इसका सी इज़ द करेक्ट आंसर, आकाश हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 74 ब्लड रिलेशन, चलिए आइए इसमें चलते 74 में करा है पॉइंटिंग टू अ ओमैन नमन सेट, तो ए नमन हो गया, कहाँ बने, चलिए ए नमन हो गया और एक ओमैन की तरफ पॉइंट कर रहा है, ए ओमैन हो गई, इसकी तरफ पॉइंट होकर कर बोले कि सी इज द डॉटर ऑफ, सी इज द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर इसी एक ग्रैंड मदर है, ग्रैंड मदर है उसके डॉटर की इकलौती डॉटर है, ठीक है, उसके डॉटर की इकलौती चाइल्ड है, उसके मतलब उसके चाइल्ड की इकलौती डॉटर है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, तो कैसे मतलब ए इकलौती चाइल्ड, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, किसकी डॉटर की बात कर रहा है, ए कोई और नहीं बल्कि क्या है इसकी सिस्टर है। तो समझ में आया कि नमन हो गया, फिर से एक बार बताए थे ए नमन हो गया, नमन एक वोमेन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि सी इज़ द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर, तो एक इस नमन के जो ग्रैंड मदर है उसकी जो ओनली चाइल्ड है, ओनली चाइल्ड उसकी डॉटर है, उसकी डॉटर है, तो इसका मतलब ए ओनली डॉटर है, ओनली डॉटर मतलब ए ओमेन क्या हो जाएगा, नमन की सिस्टर हो जाएगी, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट करेक्ट हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। अब आइए 75 में बोला है कि लक्ष्मण 50 किलोमीटर टू द वेस्ट, चलिए फ्रॉम द माई हाउस, अब मान लीजिए कि जो बंदा बोल रहा है वो ये उसका हाउस हो गया, चलिए यहाँ इसका हाउस हो गया, यहाँ से 50 किलोमीटर वेस्ट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब यहाँ आया, ये 50 किलोमीटर हो गया। फिर उसके बाद उसने बोला देन ही टर्न लेफ्ट, लेफ्ट मतलब नीचे की तरफ आ जाएगा और 20 किलोमीटर गया, तो इसका लाइन जो है कि इससे बड़ा बनाना, तो ये हो जाएगा
20 किलोमीटर। फिर उसके बाद बोला ही टर्न ईस्ट, ईस्ट की तरफ टर्न किया और 25 किलोमीटर गया। इसका मतलब 10 तो ए 25 तो मतलब ए हमारे पास हो जाएगा 15 और इससे 10 और आगे गया क्योंकि 25 गया, ए यहाँ पहुँच गया 10, पूरा 25 है लेकिन हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें ताकि हमसे डिस्टेंस ही कवर डिस्टेंस पूछा था। फिर उसके बाद आगे उसने क्या बोला, फाइनली टर्न लेफ्ट और 20 किलोमीटर, और फाइनली वो क्या गया 20 किलोमीटर टर्न होकर लेफ्ट गया, मतलब ऊपर की तरफ गया। ठीक है, तो अब उससे पूछ रहा है कि हाउ फार वाज ही फ्रॉम हिज हाउस, अपने हाउस से वो कितनी दूर पर है, अपने हाउस से वो कितनी दूर पर है। तो देखिए ए डिस्टेंस हमारे पास इतने डिस्टेंस दूरी पर है, तो ये डिस्टेंस है कितना 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, तो 10 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में बोला कि इफ सेम ही क्वेश्चन आ गया, ऐसे पहले पार्ट में इसको मैं करवा चुका हूँ कि ए इससे रिलेटेड है, मतलब प्लस मल्टीप्लाई से है और माइनस जो है कि डिवाइड से है, और लेकिन इसमें थोड़ा सा और आगे कर लिया कि और मल्टीप्लाई को इसने माइनस से कर दिया। वहाँ पर क्या था, प्लस को मल्टीप्लाई से किया था, मल्टीप्लाई को प्लस से किया था, लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए अलग कर दिया कि प्लस को इसने लिखा है मल्टीप्लाई, प्लस को लिखा है मल्टीप्लाई, अब माइनस को लिखा है इसने डिवाइड, लेकिन मल्टीप्लाई को इसने फिर से लिख दिया मल्टीप्लाई को, एक मिनट, मल्टीप्लाई को इसने माइनस लिखा है, मल्टीप्लाई को इसने माइनस लिखा है, देन फाइंड फिर उसका डिवाइड को इसने, सब आ गया, डिवाइड को इसने क्या किया प्लस से कर दिया, देन फाइंड द वैल्यू। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पूछ लिया, इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है नहीं पूछा, तो आइए 26, अब प्लस को क्या लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 74, फिर उसके बाद इसने माइनस लगाना है, माइनस को डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दिया हमने, माइनस को डिवाइड कर दिया या 4, और मल्टीप्लाई को इसने लिखा है, माइनस, माइनस हो जाएगा 5, और डिवाइड को इसने प्लस किया है तो प्लस का 2। ठीक है, तो सबसे पहले डिवाइड कीजिए, सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड कीजिए 26 रहेगा, इसको डिवाइड कीजिए तो करेक्ट तो जाएगा नहीं, तो कितने टाइम में आ जाएगा 4 1 4 बचेगा यहाँ से 4, और फिर 8 2 32 34, हाँ 8 टाइम में जाएगा 8 2 32, फिर बचेगा 20 हो जाएगा, हाँ 5 इतना आ गया। फिर अब माइनस 5 प्लस 2, अब इसके बाद जितना आया 18.5, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए आप 26 से, 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 481 आ जाएगा, 481 माइनस का 5 प्लस का 2, प्लस कर लीजिए तो माइनस 3 आ जाएगा, 483 माइनस का 3 आ जाएगा। अब इसके साथ इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, या तो इसको ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा 483 माइनस का 5, तो 483 माइनस का 5 कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा इज इक्वल टू 478, सी इज़ द करेक्ट आंसर, इससे क्या हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब भाई नेक्स्ट चलते हैं, इसमें कह रहा है कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन ईच टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, तो सभी सीरीज में, हालांकि एक ही सीरीज दिया है, लगता है कहीं से कॉपी किए हैं, उसमें कई सारे क्वेश्चन रहे होंगे और उन्होंने उसमें से एक ही कॉपी किया है, स्टेटमेंट को कोई मतलब स्टेटमेंट ठीक नहीं किया, बस उसमें लिख दिया फॉर ईच बोला है, तो इसका मतलब हालांकि क्वेश्चन एक ही दिया हुआ है, यहाँ कहीं से कॉपी पेस्ट किया गया है। वैसे आप ऊपर का मैं क्वेश्चन बता दूंगा कहाँ से कॉपी किया गया है, ऊपर के जो बैक टू बैक 6 क्वेश्चन थे एक जगह से एक ही साइड से कॉपी किए गए थे। चलिए मैं इसको पहले बता दूँ इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। इसमें देखिए पहले ऑड प्लेस को देखते हैं, ऑड प्लेस में कितना है, ऑड प्लेस में है आपका 1 3 7 9, अगला 11, फिर 13, मतलब 2 2 ऐड किया गया, हालांकि यहाँ इनको 5 देना चाहिए था, यहाँ भी गलती की, एक मिनट देखिए एक्चुअल में 3 है ही नहीं, देखिए कितना ज़्यादा कॉपी पेस्ट करते हैं, पता नहीं कौन बेवकूफ़ पेपर बनाता है कि बस वैसे ही कॉपी पेस्ट कर देता है। यहाँ पर देखिए क्या रहेगा, ये 3 नहीं है क्योंकि यहाँ पर 3 डॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब जहाँ से कॉपी किया गया है उसका क्वेश्चन नंबर थी, इतना आलसी है कि कम से कम इसको तो हटा देना चाहिए था। ये सीरीज ऐसे नहीं है, ये 3 क्वेश्चन है जहाँ से उन्होंने फॉर इच, इसी स्टेटमेंट से समझ में आ गया कि इन्होंने कहीं से कॉपी किया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में नहीं है, एक क्वेश्चन उस क्वेश्चन का 3rd क्वेश्चन था, तो देखिए इसको थोड़ा ऐड, देखिए इसको अब एडजस्ट कीजिए, ये 4 है 5 है तो अगला 6 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 7 ऑलरेडी है, फिर यहाँ देखिए 7 है 9 है 11 है 13 है, तो इसका आंसर सी हो, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसा ही है क्योंकि अगर इस अंदाज में देते 5 होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3rd है तो कहाँ से 5 हो गए। चलिए इसका हो जाएगा सी। अब ये क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 78 में क्या बोला कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द ऑड डिजिट एंड द सम ऑफ द इवन डिजिट इन द नंबर। तो इसमें देखिए 8 हमारे पास इवन है, प्लस 4 इवन है, प्लस 2 इवन है, तो इसको ऐड कीजिए तो 10 प्लस 1 14 हो, 10 प्लस 4 14 हो जाएगा, और ऑड हमारे पास 5 है, प्लस 7 है, प्लस 3 है, ये हो जाएगा 7, 2 2 4 2 6, ठीक है, तो इसको ऐड कीजिए 10 प्लस 1 50, 10 प्लस 5 15 हो जाएगा, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। अरेंज अरेंज ए टू टॉप, टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम हमें अरेंज करना है। आई क्वेश्चन नंबर ये है कि अरेंज इट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम में अरेंज करना है हिल, शोल्डर, स्कल, नेक, नी, चेस्ट, थिक, स्मूथ, फेस और हेड। तो सबसे पहले देखिए टॉप पर, टॉप से बोला है तो टॉप पर स्कल आ जाएगा, तो इसमें 3, यहाँ पर देखिए इसमें 2 है, 3, एक ए है 3 और एक ए है 3, तो देखते हैं अब दूसरे, देखिए दूसरे नंबर पर यहाँ पर 4 गिवन है, दूसरे नंबर पर 9 गिवन है, तो 9 वाला यहाँ पर फेस है, तो क्या स्कल के नीचे फेस होता है या फिर नेक होता है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डी इज़ द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्कल के नीचे फेस होता है लेकिन यहाँ पर नेक दिया हुआ था सेकंड में, इसलिए ए रॉन्ग हो जाएगा, हमारे पास राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ द राइट हो जाएगा, बाकी और किसी को चेक करने की जरूरत, इन दोनों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं।